सो हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक दिवाली डेकोरेशन लाइट बनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये लाइट किस तरह से बनाई गई है वीडियो में पूरा कंप्लीट दिखाया है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस लाइट को बनाने के लिए मैं पीवीसी पाइप का यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो इसका मेजरमेंट स्क्रीन पर। ये सारे पीवीसी पाइप से मैं पीस पीस के काट के लेके आया हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये हमारा एलईडी का डिफ्यूज़र, तो मैं इसको भी यूज़ करने वाला हूँ। और ये हमारा एलईडी जो हमारा व्हाइट कलर का है, और ये कुछ रेड ग्रीन ब्लू कलर की एलईडी। तो मैं इन सारी कंपोनेंट से आप आज का प्रोजेक्ट आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। और ये ऑन ऑफ स्विच। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस पीवीसी पाइप को लेता हूँ और यहाँ पर इन दोनों को मैं सुपर ग्लू की मदद से चिपका देता हूँ। तो देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना मत भूलें। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के अब तक पहुँचने के लिए, तो ये सारी पीवीसी पाइप पर मैं ग्लू लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बॉक्स पूरा हो जाने के बाद मैं आप लोगों को एक बार दिखा, यहाँ पर जो मैं मार्क कर रहा हूँ इस पर मैं एक एक होल कर देता हूँ, तो एलईडी को फिक्स करने के लिए। तो देख सकते हो यहाँ पर एलईडी कितने अच्छे से फिक्स हो चुका है। तो सारी एलईडी को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और बाद क्या कनेक्शन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखते रहिए फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक। सारे एलईडी लग जाने के बाद फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पॉजिटिव सिरा को एक साथ और नेगेटिव सिरा को एक साथ में कनेक्शन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो ये मैं पॉजिटिव सिरा को सोल्डरिंग कर चुका हूँ और नेगेटिव को भी मैं इसी तरह की सोल्डरिंग कर दूंगा। सोल्डरिंग हो जाने के बाद फ्रेंड्स, मैं पॉजिटिव पॉइंट पर एक रेड कलर का वायर और नेगेटिव पॉइंट पे मैं एक ब्लैक कलर का वायर को सोल्डरिंग कर दूंगा। ये सोल्डरिंग हो जाने के बाद फ्रेंड्स, मैं एलईडी के ऊपर हॉट ग्लू की मदद से एलईडी को बहुत अच्छे से फिक्स कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्विच लग जाने के बाद मैं ऑटो को यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए जो बैटरी यूज़ करूँगा, ये होगा एक 9 वोल्ट का बैटरी। तो देख सकते हो ये हाई वाट का 9 वोल्ट का बैटरी है। तो मैं कनेक्टर को लगा के यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स किस प्रकार से मैं लगा दिया है। फ्रेंड्स, बैटरी लग जाने के बाद मैं यहाँ की सारे पॉजिटिव पॉइंट को एक साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हो मैं एलईडी का और आरजीबी लाइट का और बैटरी का पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। और निगेटिव वायर को फ्रेंड्स मैं
यहाँ पर दो लाइट का निगेटिव वायर है उसको कनेक्ट कर देता हूँ, और जो पावर सप्लाई का निगेटिव वायर है मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखा रही हूँ। देख सकते हो फ्रेंड्स, मेरा पूरा LED चल रहा है। इसको मैं ऑन ऑफ करने के लिए स्विच पर जो निगेटिव वायर है उसको सोल्डरिंग कर देता हूँ। देख सकते हो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैं निगेटिव वायर को भी स्विच के होते हुए मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर सुपर ग्लू लगाने के बाद में सारे कोने को हमारा जो साखू है उसकी मदद से मैं यहाँ पर इस प्रकार से उसको साफ कर लेता हूँ और फिनिशिंग कर देता हूँ। तो फटाफट से मैं फिनिशिंग करके आप लोगों को और ये ऊपर वाला जो PVC पाइप है उस पर मैं एक टुकड़े को यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हो इस प्रकार से मैं शिफ्ट करके पूरा फिनिशिंग करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, सारे फिनिशिंग हो जाने के बाद मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखा देता हूँ, ये ऑन ऑफ हो चुका है। तो ये LED लाइट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताना मत भूले, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल SKG टेक्नोलॉजी लैब को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।